बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करेंगे एडवर्ब्स की डिग्री को। एडवर्ब्स क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब्स फ्राम द बॉक्स गिवन बिलो। सम ऑफ द वर्ड्स कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स। डेफिनेटली, सिंस, यूजुअली, एनीवेयर, इनफ, ऑलवेज, क्वाइट, प्रॉपरली। अब ये हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा। ही डैश अंडरस्टैंड्स योर पोजीशन। ही डेफिनेटली अंडरस्टैंड्स योर पोजीशन भी आ सकता है, या फिर ही श्योरली अंडरस्टैंड्स योर पोजीशन। वो उसको यकीनन आपकी पोजीशन पता है, तो डेफिनेटली भी आ सकता है, श्योरली भी आ सकता है। ही डेफिनेटली अंडरस्टैंड्स योर पोजीशन या फिर ही श्योरली अंडरस्टैंड्स योर पोजीशन। तो डेफिनेटली यूज़ कर लें, यानी उसको पक्का आपकी पोजीशन का पता है। इट इज़, अब ये एडवर्ब है जो हमने इसके अंदर यूज़ किया। ही डेफिनेटली अंडरस्टैंड्स योर पोजीशन, ही श्योरली अंडरस्टैंड्स योर पोजीशन। ही है इसलिए अंडरस्टैंड्स में एस लगाया। इट इज़ डैश वेरी हॉट इन जून इन सरगोदा। इट इज़ क्वाइट वेल, सिंस क्वाइट। इट इज़ क्वाइट नहीं, क्योंकि वेरी भी आया हुआ है, इसलिए क्वाइट के बाद वेरी तो नहीं लगा सकते। इट इज़ यूजुअली वेरी हॉट इन जून इन सरगोदा। इट इज़ यानी अक्सर जो है वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है। ही हैज़ नॉट रिटर्न्ड डैश हिज विजिट इन जर्मनी जनवरी। ही हैज़ नॉट रिटर्न्ड, वो अभी तक नहीं आया, डैश हिज विजिट इन जनवरी। अब कहाँ पे? क्वाइट वेल या फिर सिंस। ही हैज़ नॉट रिटर्न सिंस हिज विजिट इन जनवरी, या फिर येट हिज विजिट इन जनवरी, या आफ्टर हिज विजिट इन जनवरी। ही हैज़ नॉट रिटर्न्ड हेयर आफ्टर हिज विजिट इन जनवरी। क्या आएगा? बिफोर हिज विजिट इन जनवरी। ही हैज़ नॉट रिटर्न्ड सिंस हिज विजिट इन जनवरी। Since they dash send Christmas presents to an old age home. They usually send Christmas presents to an old age home. Usually का मतलब होता है ज़्यादातर भेजते हैं वहाँ पे, या फिर always भी यूज़ कर सकते हैं, हमेशा भेजते हैं वहाँ से, तो always कर दें। They always send Christmas presents, Christmas के present भेजते हैं old age home में, जहाँ पे बूढ़े बूढ़े बंदे बैठे हुए होते हैं, रहते हैं। ओल्ड एज कौन सा हाउस होता है? जहाँ पे हमारे तो यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं, जहाँ पे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है, उनको पास रखा जाता है। ही इज़ रिच डैश टू बाय अ कार फॉर हिमसेल्फ। ही इज़ रिच डैश टू बाय अ कार फॉर हिमसेल्फ। रिच इनफ, ही इज़ रिच इनफ, वो काफ़ी अमीर है टू बाय अ कार फॉर हिमसेल्फ। ओके। आई शैल dash visit you when I come to Islamabad next. I shall dash visit you. I shall क्या आएगा? I shall properly visit you when I come to Islamabad next. जब मैं आऊँगी तो आपके पास आऊँगी। या फिर I shall आई शैल श्योरली विज़िट यू, मैं यकीनन आपको विज़िट करने आऊँगी। ये ज़्यादा क्लियर है कि मैं ज़रूर आपको विज़िट करूँगी जब मैं इस्लामाबाद अगली दफ़ा आऊँगी। व्हेन आई कम टू इस्लामाबाद नेक्स्ट। ओके। डैश शी कुड नॉट कोप विद साइंस। सिंस शी कुड नॉट कोप विद, अब जबकि वो साइंस के साथ अच्छे तरीके से नहीं काम कर सकती। शी टुक ह्यूमैनिटीज़ फॉर क्लास, इस क्लास के लिए उसने क्या ले लिया है? सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ ले लिया, क्योंकि चॉइस होती है ना कि आप या फिर साइंस रख लें या ये रख लें। तो क्योंकि सिंस शी कुड नॉट कोप विद साइंस, शी टुक ह्यूमैनिटीज़ फॉर क्लास दिस। ही वर्कड हार्ड डैश कुड नॉट पास क्लास 10 विद ऑनर्स। ही वर्कड हार्ड डैश कुड नॉट पास क्लास, ही वर्कड हार्ड लेकिन फिर भी वो पास ना हो सका। अब यहाँ पे क्या होगा? ही वर्कड हार्ड This is just a big problem for me. Yet he worked hard, yet could not pass class with honors. She visits her parents dash often. Often यहाँ पे है she visits her parent every day. Every day कर दें, वो हर रोज़ अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए जाती है. I know them well. मैं उनको अच्छे तरीके से जानता हूँ, या फिर I know them well तो इसके अंदर है ही नहीं. I know them enough भी हो सकता है. I know them enough या I know them quite well. Quite well हो जाएगा. मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ. I know them quite well. I have not seen such a thing before. इससे पहले मैंने इतनी अच्छी चीज़ नहीं देखी. तो before इधर है. I have not seen such a thing here. Here कर दें. मैंने यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं देखी. Dash studying you can go and play. Dash studying after studying you can go and play. स्टडी के बाद आप बाहर जाओ और खेल सकते हो. शी सिंग्स डैश ब्यूटीफुली. ये बहुत अच्छे तरीके से गाना गाती है तो ब्यूटीफुली आ जाएगा. यू कैन सिट डैश इफ़ यू लाइक. यू कैन सिट एनी वेयर इफ़ यू लाइक तो एनी वेयर इसके अंदर है. येस एनी वेयर. यू कैन सिट एनी वेयर इफ़ यू लाइक. शी सर्च फॉर हर पेन बट कुड नॉट फाइंड इट येट. उसने अभी तक यानी पेन तो ढूंढा है लेकिन उसे मिला नहीं है. येट भी लिख सकते हैं. But she could not find it yet. Why don't you tell the story dash? Why don't you tell the story? Why don't you tell the story properly? Properly आपने क्यों नहीं बताई? Why don't you tell the story quite well भी कह सकते हैं. और क्या कह सकते हैं? Why don't you tell the story beautifully? ब्यूटीफुली भी कह सकते हैं कि आप ब्यूटीफुली क्यों नहीं बता रहे हो स्टोरी को. ओके नेक्स्ट है. नेक्स्ट टाइम यू डिसओबे योर टीचर शी विल डैश पनिश यू. शी विल श्योर पनिश यू या शी विल. नेक्स्ट टाइम यू डिसओबे अगली दफ़ा अगर किया तो टीचर आपको पनिश करेगी. शी विल श्योरली पनिश यू यकीनन वो आपको पनिश करेगी. शी कैन डैश नो. शी कैन वेरी वेल नो व्हाट इट इज़ टू मिस वंस पेरेंट्स. व्हाट इट इज़ टू मिस वंस पेरेंट्स. शी कैन वेरी वेल नो. शी कैन क्वाइट वेल नो भी कह सकते हैं. क्वाइट वेल नो ओके. या फिर शी कैन डेफिनेटली नो तो यहाँ पे वेरी वेल नो भी आ सकता है. Dash she is now an adult. Since she is now an adult, she can vote in the elections. It is dash to go outdoors during the day. It is dash to go outdoors during the day. It is quite well to go outdoors during the day. Quite well. या फिर it is too hot. Too hot ज़्यादा बेहतर है. बहुत गर्मी है और बाहर जाना मुनासिब नहीं है तो आप कहते हो it is too hot to go outdoors during the day. During the day बाहर जाना जो है वो गर्मी है. Adverbs are words that usually modify verbs, adjectives and other adverbs. They add something to the meaning of the verb. क्या add करते हैं? Meanings. और adjectives or the adverb they modify just as an adjective adds to the meaning of the noun it qualifies. जैसे कि adjective जो है वो noun को मीनिंग देते हैं या क्वालिफाई करते हैं. शी इज़ वेरी टॉल मॉडिफाइंग द एडजेक्टिव टॉल. ही सिंग्स ब्यूटीफुली वो बड़ा अच्छा गाता है. योर कज़न स्पीक्स टू सॉफ्टली आप किसी को कहते हो बहुत अच्छा बोलता है तो आप एडवर्ब यूज़ कर रहे हो सॉफ्टली. तो एडवर्ब्स कैन ऑल्सो मॉडिफाई अदर वर्ड्स. वर्ड क्लासेस को भी करते हैं. कौन से वर्ड क्लास है? हार्डली एनी बॉडी बिलीव्ड हर. बमुश्किल कोई उसके ऊपर यकीन करता है. हार्डली एनी बॉडी बिलीव हर यानी कोई उसके ऊपर बिलीव करता ही नहीं है. द नेल वेंट स्मूदली थ्रू द डोर. नेल क्या होती है? वो जो आप कील ठोंकते हैं. द नेल वेंट स्मूदली बड़े आराम से अंदर चलेगी डोर के अंदर. मॉडिफाइंग द प्रपोजिशन थ्रू. शी इज़ क्वाइट अ जीनियस. शी इज़ क्वाइट अ जीनियस मीन वो बहुत ही जीनियस है अच्छी है. तो यहाँ पे इधर हमने ये यूज़ किया है. अब है अंडरलाइन द एडवर्ब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट व्हाट द एडवर्ब मॉडिफाइज. अब इसमें आपने बताना है कि कैसे मॉडिफाई किया उसने. दे हैवंट येट रिटन बैक तो मॉडिफाइज द वर्ब रिटन, रिटन को येट ने येट रिटन, दे हैवंट येट रिटन बैक, उन्होंने अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया या लिखा। शी स्टिल हैज़ टू कंप्लीट हर वर्क, शी स्टिल, तो यहाँ पे वर्क को आप क्वालिफाई कर रहे हैं। इसी तरह आपने यहाँ पे चेक करके बता देना है कि आप मॉडिफाई किस को कर रहे हैं। अपोजिशन ऑफ एडवर्ब्स क्या है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन वेयर एन एडवर्ब इज़ प्लेस्ड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस कैन चेंज, पोजीशन चेंज हो तो उसके मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। जैसे ओनली शी गेव हिम अ लेटर, मॉडिफाइंग द प्रोनाउन शी, ओनली शी गेव हिम अ लेटर, सिर्फ एक बंदी ने लेटर दिया और वो भी उसने। शी ओनली गेव हिम अ लेटर, उसने सिर्फ एक लेटर दिया, तो यहाँ पे ओनली गेव हिम अ लेटर, उसने सिर्फ एक ही यानी लेटर दिया। शी गेव ओनली अ लेटर टू हिम, इससे भी उसकी मॉडिफाइंग हो जाती है, शेप ये मतलब इसका चेंज हो जाता है। शी गेव ओनली अ लेटर टू हिम, उसने सिर्फ उसको लेटर दिया। शी गेव अ लेटर ओनली टू हिम, उसने सिर्फ एक लेटर दिया। अब देखें पोजीशन कितनी जगह पे चेंज हुई है। यहाँ पे हमने लिखा है ओनली पहले, ओनली शी गेव हिम अ लेटर, और इसमें हम शी के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। फिर है शी ओनली गेव हिम अ लेटर, इसमें हम वर्ब गेव के लिए यूज़ कर रहे हैं, गेव। और फिर है she gave only a letter, only a letter to him, अब यहाँ पे हम किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, लेटर को। और फिर she gave a letter only to him, तो फ्रेज़ him को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। तो पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह what these placements mean, nobody else gave him a letter except she, इस तरह भी कह सकते हैं, और किसी ने लेटर नहीं दिया सिर्फ उसने दिया है, तो nobody else gave him a letter except she। देखें हमने कहा only she gave him a letter, अब इसको हम except अगर placement change करें, nobody else किसी और ने, else का मतलब होता है कोई और, nobody कोई भी और, gave him a letter किसी और ने letter नहीं दिया, nobody नहीं दिया या nobody किसी और ने नहीं दिया, except except एक्सेप्ट शी, यानी इसको छोड़ के इसने दिया बाकी किसी ने नहीं दिया। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, nobody else gave him a letter except she। देन है शी डिड नथिंग अदर दैन गिव हिम अ लेटर, उसने और कुछ नहीं किया बल्कि एक लेटर दिया। द स्पीकर वॉज एक्सपेक्टिंग हर टू डू समथिंग एल्स टू। फिर है शी डिड नॉट गिव हिम एनी थिंग अदर दैन अ लेटर। थर्ड में देखें शी डिड नॉट गिव हिम एनी थिंग, शी गेव ओनली अ लेटर टू हिम, और उसने कुछ नहीं दिया, इसका मतलब है शी डिड नॉट गिव हिम एनी थिंग अदर दैन अ लेटर, सिर्फ एक लेटर दिया। फिर है थर्ड में शी डिड नॉट गिव Anybody else a letter, और किसी को नहीं दिया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, she gave a letter only to him, और किसी को उसने नहीं दिया। She did not give a letter, she did not give anybody else a letter, क्या यहाँ पे आएगा, she did not give anybody else किसी और को a letter। She did not give anybody else a letter means ये कि she gave only to him this letter, okay। Next है kinds of adverbs।